डिप्रेशन, डिप्रेशन का सेक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, डिप्रेशन की वजह से सेक्स कैसे अफेक्टेड होता है, तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और इसके साथ मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूँ। चलिए अब बात करते हैं डिप्रेशन की। देखिए डिप्रेशन, यदि हम थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँगा डिप्रेशन क्या है। यदि आप मान के चलिए आप लंबे समय तक उदासी वाला जीवन जी रहे हो, मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश करूँगा, लंबे समय से आप उदासी वाला जीवन जी रहे हो तो उसको कहीं ना कहीं डिप्रेशन कह रहे हैं। और इसके पीछे रीजन होता है कि हो सकता है कि आपके घर में कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया हो या किसी आपके चहेती की डेथ हो गई हो, उसकी वजह से आप उदास रहना स्टार्ट हो गए हो, और वो थोड़े समय के लिए हुआ लेकिन आपको लंबे समय तक आप उसके अंदर इतना डीपली चले गए, उसमें से आप निकल नहीं पा रहे। इसकी वजह से क्या होगा, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, किसी से बात नहीं करोगे और आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, आप अंधेरे में रहना स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। आप मतलब कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी से, घर से, परिवार से, दोस्तों से बिल्कुल हट जाओगे। लेकिन हमारा जो टॉपिक है ये कि डिप्रेशन से सेक्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए डिप्रेशन सेक्स को बिल्कुल बर्बाद कर देता है, क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आता है, जब हम उनकी केस टेकिंग लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं फिजिकल लक्षण तो लेते हैं। बहुत बार हमसे जो पेशेंट है वो सवाल पूछता है कि सर आप इतने सवाल क्यों पूछते हो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मेंटल सिम्टम्स पर भी आधारित हैं, क्योंकि जो होम्योपैथी है वो लक्षणों के आधार पर दवाई दी जाती है। जब हमारे पास कॉल आती है, जब हम आधा आधा घंटा पेशेंट से बात करते हैं, क्योंकि हम पूरा उसकी केस टेकिंग लेते हैं। जब मेरे क्लिनिक पर भी कोई आता है तब भी हम आधा घंटा जरूर एक पेशेंट से ले लेते हैं, क्योंकि हम उसके पूरे सिम्टम्स लेते हैं। जब हम उसके मेंटल सिम्टम्स लेते हैं तो हमें क्या निकल के आते हैं कि ये डिप्रेशन का शिकार है। क्योंकि जब पेशेंट कहते हैं कि सर मेरा जो शादीशुदा है, मेरा वाइफ के पास जाने का मन नहीं करता, मेरा मन ही नहीं करता, मेरा सेक्स करने का मन नहीं करता, मतलब मैं कहीं ना कहीं सेक्स से बिल्कुल हट गया और मेरे लिंग का तनाव बिल्कुल खत्म हो गया, तो जब वो ऐसी बात करेगा तो हम समझ जाते हैं कि फिर हम उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ या मेरे साथ ये घटना हुई, जब से मुझे दिक्कत हुई या मेरे परिवार में मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, बहुत सी बात निकल के आती है, ठीक है, या बहुत लंबे समय से वो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है, नशीली चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। तो कहने का मतलब है जब हम उसे कुरेदते हैं ना तो हमें सारे सिम्टम्स बताता है, तब हम अपनी एक मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं। और हमने देखा है कि होम्योपैथिक मेडिसिन से जो पेशेंट है वो 1 से 2 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। रिजल्ट तो 1 महीने में आता है और जब उसे 2 से 3 महीने का जो हम अपना कोर्स कराते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। बहुत बार तो हम फ़ोन से ही बात करते हैं, क्योंकि आजकल कोरोना का टाइम है, हमारे पास कम ही आते हैं पेशेंट, कहते हैं सर कोरोना की वजह से दिल्ली में नहीं आ रहे, तो वे अपने घर पर ही दवाई मंगा लेते हैं। लेकिन बात तो वो है कि हम लक्षणों के आधार पर ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। देखिए डिप्रेशन का सेक्स पे बहुत मतलब कहीं ना कहीं डिप्रेशन आपकी सेक्स लाइफ को बर्बाद कर देगा, ये थोड़ी सी एक रियलिटी है। और जितने भी हमारे पास ज़्यादातर सेक्स के पेशेंट आते हैं वे कहीं ना कहीं डिप्रेशन में तो रहते ही हैं, कहीं ना कहीं मैं तो देखता हूँ जितने भी मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं वे कहीं ना कहीं स्ट्रेस से जरूर जूझते हैं। जब उनसे बात करते हैं तो निकल गया था सर स्ट्रेस जो लंबे समय से चल रहा है वही डिप्रेशन है। डिप्रेशन है क्या, लंबे समय तक स्ट्रेस का चलना, उसको हम डिप्रेशन बोल सकते हैं। तो जब हम निकलते हैं तो मेंटल सिम्टम लेते हैं। यदि हम एक बात करें कि डिप्रेशन क्या है कि आपकी कनपट्टी पे एक बंदूक रख दी गई है और आपको बोला गया ये करो तो आप वही करते हो, वही डिप्रेशन, मतलब जो बंदूक आपकी कनपट्टी पे रखी गई है वही डिप्रेशन है। हमें क्या करनी है और आपको क्या करनी है, उस बंदूक को हटाना है। इसको आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते हो। जब आप इस बंदूक को अपनी कनपट्टी से हटा दोगे तो आप देखना, आप देखिए मैंने बहुत से घर टूटते हुए देखे इसी की वजह से, इसलिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं ही चाहता हूँ कि आप इस दलदल, मैं इसको दलदल ही बोलूँगा, इस दलदल से बाहर निकल जाओ। यदि आपको मदद चाहिए तो बेफिक्र होकर स्क्रीन पर जो मेरा नंबर है हमसे बात कीजिए, अपने बारे में बताइए कि आपको, फिर हम पता लगे कि आपको वाकई स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, या आप जो आपके लक्षण आ रहे हैं एक पेज पर लिखिए, स्क्रीन पर जो नंबर है वहाँ पर आप व्हाट्सअप कर दो, मैं उनको पढ़ूंगा, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको मेडिसिन बता देंगे। आप मंगवाना नहीं चाह रहे तो हम आपको बता देंगे फ्री में, कोई पैसा नहीं है। तो कहने का मतलब है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब डिप्रेशन हो रहा है बंदे को, उसमें लिंग में तनाव की कमी हो रही है,
यहाँ तक कि तनाव का नपुंसकता आ गई, मतलब इम्पोर्टेंट हो गया बंदा बिल्कुल, कहते हैं मन ही नहीं करता है, दुनियादारी हटो और मतलब गृहस्थी से ख़त्म करो, ऐसी ऐसी वो बात करता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, पता नहीं कैसी कैसी बात करता है। हम भी जब पेशेंट से बात करते हैं रोने लग जाता है पेशेंट, आकर बात करते करते रोने लगेगा कि जीवन व्यर्थ हो गया है, अब तो मरना ही बढ़िया है, तो ऐसी ऐसी बात करता है। तो मैं चाहता हूँ कि यदि आप ऐसे दलदल में हो तो अभी से निकल जाओ और बहुत जल्दी इसको आप निकाल सकते हो, जैसे मैंने चुटकी बजाई ऐसे निकल सकता है, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। तब भी कोई बात है तो बेफिक्र होकर हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, एक बार हमसे कॉन्टैक्ट करें, कहीं ना कहीं हम आपको जो आप इस दलदल में घुसे हुए ना इसको ज़रूर निकाल देंगे, और जो आपका वैवाहिक जीवन है उसको हम सफल बनाने में पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, और यही चाहूँगा लास्ट में जब आपके लिए इतनी बेस्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ, इतनी बेस्ट नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर देना, और हाँ वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ये हेल्पफुल वीडियो होती है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं जो डिप्रेशन का शिकार है वो देखेगा और कहीं ना कहीं वो ठीक हो जाएगा। थैंक यू।